वर्तमान भारत सरकार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल सोमवार को चंडीगढ़ स्थित माउंट व्यू होटल पहुंचकर मीडिया के समक्ष मोदी सरकार के 100 दिन की उपलब्धियों को बताया। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी मौजूदा सरकार ने इन 100 दिनों में लोकहित में फैसले लिए हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैसला 3 तलाक बिल का है, जिसके बाद भारत की मुस्लिम बहनों को सुकून मिला है। उसके बाद जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला भी पूरी दुनिया में सराहनीय रहा। आपको बता दें कि हरसिमरत कौर बादल शिरोमणि अकाली दल की सदस्य और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की पत्नी हैं। Landing
I think it's something for our nation to be extremely proud of. And I think what makes me, while I'm proud of my scientists and what they have achieved, I think I would also like to say over here that credit goes to our Prime Minister. There are many fathers, you know, so they say the saying, success has many fathers, but failure has none. But I would like to say that the way our Prime Minister stood by our scientists at this hour of their disappointment, and did not, you know, we all collectively took the blame and stood by them to give them that kind of sense of pride how India came together, I think says that how the Prime Minister fathered this setback rather than letting it go that, okay, they could not do it. Captain Minister, you have 106 projects. पंजाब के लिए इनमें से कितने हैं, उनका प्रोजेक्ट स्टेटस क्या है? पंजाब में मैंने पिछले समय से 42 प्रोजेक्ट सैंक्शन की थे, जिसके नाल तकरीबन 12,000 करोड़ का इतने इन्वेस्टमेंट आ गई थे। इन्होंने बेचो मेरा क्या 4 प्रोजेक्ट्स भी हैं सैंक्शन हमने फॉर पंजाब 3 हैव बीन सैंक्शन फॉर प्रोजेक्ट्स 4 हैव बीन सैंक्शन फॉर पंजाब आउट ऑफ द 106. But I would also like to say over here, central government can come up with schemes. It is up to the state government to ensure their implementation and maximum people get the benefit. If the state government does not spread the schemes which are available and get people and help them apply, those states lag behind. And the states which proactively promote the schemes by even adding or topping up what we are giving, benefit the people a lot more. So out of the 106 that we have sanctioned, 4 are for Punjab. पिछली बार आपकी ये शिकायत रही है कि पंजाब गवर्नमेंट जो है आपके यह स्कीमों में मैं बिल्कुल ये करूँगी कि हमारे केंद्र की सरकार की 100 दिनों की उपलब्धियाँ थी हैं, आप इसको पंजाब सरकार लेकिन इस बार इसका अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो मैं 2 घंटे बोलूँगी वो उसके बारे में मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ. सो आप अभी इसको हम 100 दिनों की केंद्र की राज में आई एम हियर एज अ यूनियन मिनिस्टर नॉट एज फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर एंड टू टॉक अबाउट पंजाब. सो ये आप जितना पूछना चाहें मैं तो एक चीज़ का बहुत बढ़िया जवाब दे सकती हूँ, बट इफ यू कुड कीप दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस टू 100 डेज परफॉर्मेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. देखो सरकार ने जिन्हें मैं थानू किया कि लगातार अपना स्टेप्स लिते 2014 से अपना एक टारगेट सेट किया कि 2022 से असी आमदन दुगनी करनी है, एक डेडलाइन तो दिखती हूँ डेडलाइन आ नहीं सी कि आज जो वो 1,000 रुपए कमा रहे हैं तो अपना उन्होंने 2022 होते 2,000 रुपए नकद दवा में, लेकिन हाँ जे वो 1,000 रुपए आज कमा रहा है वो अभी सेविंग इतनी हो जाए कि 1,000 बोरों के बच जाए बचने लिए पाने असी 6,000 रुपए किसान निधि योजना होए या फिर उन्होंने मकान बना के या एजुकेशन एचटी स्कॉलरशिप दे के या फिर फसलों के मोल बता के जैसे तुम देखे कि साड़ी पार्टी के कॉटन चे ये 1.5 गुना जी वृद्धि हुई. मैंने पता है मेरे इलाके में जो कॉटन फार्मर से मैंने 7-8 हज़ार किला तो उन्होंने मत रेट मिल गया पैडी वाले को भी 4-5 हज़ार मतलब यह वाई जी फसल है मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो या फिर जिन्हें ई एग्रीकल्चर जिथे तकरीबन 585 मंडीज नो इलेक्ट्रॉनिकली लिंक किया गया कि किसान घर बैठे हुए उस मंडी के राही अपनी फसल बेच सकता है, तो कई करोड़ किसानों ने फायदा लेके कई करोड़ों का उन्हें पिछों इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म तो ट्रांजैक्शंस हो जाने राशि मेरी सही हो पंजाब वास्ते नहीं रखी गई थी वो जो लेटर लिखी तो उसके बाद ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਲੱਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਿਲੀਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਿ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕਰੀਬਨ 484 ਆ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਲਾਈਨ ਵਿਦ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਜੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਦੇਖੀ ਕਲੋਸ ਟੂ 6000 ਕਰੋੜ ਹੈ ਬਟ ਐਟ ਦ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਐਂਡ ਫਾਰ ਦ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਿਮਸੈਲਫ ਹੈ ਸੈਡ ਦੈਟ ਮਨੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸ਼ੋਰਟਿੰਗ ਵਾਈ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿੰਗ ਦ ਮਨੀ ਔਰ ਵੇਅਰ ਦੇ ਹੈਵ ਡਾਈਵਰਟਿਡ ਦ ਮਨੀ ਓਨਲੀ ਦੇ ਆਰ ਆਨਸਰ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਆਸੇਗਾ ਕਿ ਜਦ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਅਗਰ ਆਪ ਇਸਕੋ ਨੰਬਰ 1 ਪੇ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਪਰ ਕੇ 5 ਸਟੇਟ ਜੋ 70% ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਨੀ 5 ਸਟੇਟੋਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਂਧਰਾ ਗੁਜਰਾਤ ये टॉप
प्रोडक्शन इसमें शायद इन सब स्टेटों से ज्यादा है, लेकिन प्रोजेक्ट्स बताने में क्योंकि मदद जिस तरह मुनी जी आपने देखा ये मेगा फूड पार्क लुधियाना ये नरोवाल मेगा फूड पार्क देखो तैयार पड़ा हुआ है लेकिन इनॉग्रेशन नहीं हो रही है ताकि यहाँ पे किसानों को भी फायदा हो, नौजवानों को भी नौकरी मिले। पहला मेरा मेगा फूड पार्क है जिसमें यूनिट मैंने तैयार कर दिए लेकिन फूड पार्क की इनॉग्रेशन क्योंकि एक मेरा ख्याल 10 लाख की कितने लाख की मशीन और एक बिजली का कनेक्शन करके अभी तक इन्होंने 1.5-2 साल से रुके रखा है। एंड ऑल रिलीजियस फंक्शंस रिगार्डलेस ऑफ व्हिच गवर्नमेंट हैज बीन देयर एट द सेंटर ऑफ द स्टेट ऑल ऑफ देम हैव बीन सेलिब्रेटेड अंडर द एजिस ऑफ द एसटीपीसी बिकॉज दैट इज आवर रिलीजियस एपेक्स बॉडी अकाल तख्त साहब। इट इज वेरी सैड दैट द जथेदार ऑफ अकाल तख्त साहब अपील टू एवरीबडी इंक्लूडिंग द स्टेट गवर्नमेंट दैट प्लीज celebrate together like has been done in 99, in 2004, 2006, 2007 when SGPC celebrated it. Captain Amarinder Singh went as CM, Manmohan Singh went as PM, but it was all under the aegis of Shromi Gurdwara Prabandhak Committee to the extent when Nitesh Kumar ji celebrated 2 years ago in Patna Sahib, he too did it with the Patna Sahib Committee and under SGPC and with them he did not make it into a state function. So always religious function has been done by SGPC and every party has risen above because Sikh ta saraya da ki Sikh party da ta hai nahi te dukh di gal oh hai ki eh sarkar akal takht saab nu kamzor karan waste ede vich vi siyasat khel rahi hai. Tusi saraya ne dekha ki akal takht saab de jathedar de kehan che sare takhtan de pradhan saab ne jaake captain saab nu mil ke keha ki appa rang mil ke milaiye tusi apne do member de do लेकिन लगातार चिट्ठियां लिखने के बाद ना वो मेंबर देते जा रहे हैं ना ही वो अंदर के मिलान की कोई गल कर रहे हैं बल्कि अटल प्रधानमंत्री महोदय अपने प्रोग्राम हट करके मैं समझती हूँ कि सिख कौम से दुविधा पैदा करके एक तरह तो अकाल तख्त साहब कमजोर करने का जरा करे बड़ा दुखदायी है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि कैप्टन साहब इस सियासत को छड़ के जरा सुल्तानपुर लोधी च डिवेलपमेंट करने की लड़ है उत्थे टेंटेड सिटी श्रद्धालुओं वास्ते बनाने की गल अखीर च श्रोमी अकाली दल ने सेवा लेके उस शहर को सफेद करने का काम असी शुरू किया क्योंकि जो तुम उ जाके देखो कख भी काम नहीं हो रहा। हूँ मैं सुन लिया कि कल जाके कैबिनेट उ हो रही है लेकिन तुम सारे जानते हो कि कुछ ही दिनों ये चार स्टेटा का चोन का जाता लग जूगा वो बारे मैं होर माना मिल जूगा नवंबर तक ही चले जाऊगा तो असं आप अपना काम शुरू करता क्योंकि सरकार को बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं हैगी कि यह सुल्तानपुर 550 साल का गुरु साहब दल है बल्कि मैं आह कह सकती हूँ कि मैं मान है कि केंद्र की सरकार ने कपड़ा की गल करिए काफ़ी ज़्यादा जड़े परेशान हो गए हैं कि साड़ी ग्रोथ नहीं है कस्टमर नहीं आ रहा बिल्कुल ये मोदी सरकार ने जी नीति वो कारण सू रोना पै रहा। देखो जिन्हें मैं थानू कहा कि ग्लोबल स्लोडाउन है तो जे आप ग्लोबल वार्मिंग तो आइसोलेट नहीं हो सकते पोल्यूशन तो आइसोलेट नहीं हो सकते तो ग्लोबल स्लोडाउन तो आप कि आइसोलेट होवे लेकिन जिन्हें मैं थोड़ा दसिया दैट डिस्पाइट ग्लोबल स्लोडाउन इंडिया इज स्टिल द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। हाँ इस साइकिल से जरा होया आई बिलीव इट्स टेंपरेरी जस्ट अ स्लोडाउन इन वन साइकिल कैन नॉट बी रिटन ऑफ एज कीजिए बहुत बड़ा मंदा आ गया है। हर पक्षों सरकार इस नु कवर करने वास्ते जिवें मैं थोनू दसिया 87,000 करोड़ फार्मर के हाथ च 70,000 करोड़ इंडस्ट्री बैंक्स को दे के ताकि वो लेंडिंग कर रेट कट कर इसी तरह जिवें 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर पोस्ट इहदे नाल जॉब्स भी क्रिएट होंगे इहदे नाल जिहड़ी ग्रोथ आपां चाहुंदे सरकार इज टेकिंग द नेसेसरी स्टेप्स। अर्थ प्रकाश के लिए चंडीगढ़ से मंदीप गौतम की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।